गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास। हमारा ये चैप्टर चल रहा था इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। वन ब्राइट डे ए थीप ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन बहुत शुभ दिन था और उस दिन एक चोर ने किसी रिच व्यक्ति के घर में घुस गया, सेंध लगा दी चोरी करने के लिए। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। उस व्यक्ति ने दीवार में एक छेद कर दिया और चुपके से उसके घर घुस गया। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और वो अपनी लूट का सामान ले जा रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड, और उस घर की जो दीवार थी वो बहुत पुरानी थी, वो टूटकर उस व्यक्ति के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन हिज द स्पॉट, और उसी क्षण वो उस व्यक्ति की डेथ हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई राजा के पास गया। एंड कंप्लेंट योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। उसी क्षण उसका जो भाई था वो भागकर राजा के पास पहुंचा और वो किंग से शिकायत करता है कि सरकार, मेरा जो भाई है वो अपना पुराना जो बिजनेस है वो धंधा कर रहा था और उसके ऊपर ये दीवार गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये व्यापारी के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, क्योंकि इस व्यक्ति को एक मजबूत दीवार बनानी थी। यू मस्ट पनिश द रोंग डोअर, रोंग डोर क्रिमिनल अपराधी, आपको इस अपराधी को दंड देना चाहिए। एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिक, और इस व्यक्ति को दंड देना चाहिए और मेरे परिवार को इस अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, आपको न्याय मिलेगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समंड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उस घर के मालिक को बुलाया गया, ओनर ऑफ द हाउस को। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब वो व्यापारी वहाँ पर पहुँचा, द किंग क्वेश्चन्ड हिम, राजा ने उससे प्रश्न किया, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, जैसे उसने कहा ये मेरा नाम है, कोई भी नाम बता दिया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल योर हाउस, कि जब आपके घर में चोरी की गई क्या उस समय आप अपने घर पर थे। यस माय लॉर्ड, हाँ, ही ब्रोक इन एंड वॉल वाज वीक, वे अंदर आ गया, दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वो दीवार उस व्यक्ति के ऊपर गिर गई। द एक्स्यूज प्लीज गिल्टी, उसने अपनी गलती महज स्वीकार कर ली। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, आपकी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें आपको दंड अवश्य देना है। लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय व्यापारी ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने इस दीवार को नहीं बनाया। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये तो उस व्यक्ति की गलती है, हु बिल्ट द वॉल, जिसने इस दीवार को बनाया है। ही डिडंट बिल्ट
इट राइट, उसने इसे अच्छे से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे दंड देना। हु इज़ दैट, वह कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, यह दीवार मेरे पिता के समय बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने इस दीवार को बनाया था। हु यू शुड एंड ही डिडंट बिल्ड इट, हाँ आपको हु इज दैट। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट माई फादर्स टाइम एंड आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही इज़ लिव्स नियर बाय। तो उसने राजा को सारी बात बताई कि एक ओल्ड व्यक्ति, वो व्यक्ति एक ओल्ड व्यक्ति है और मेरे घर के पास में ही रहता है, मेरे फादर के समय इस दीवार को बनाया गया था। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने अपने संदेशवाहक उस ब्रिक लेयर, उस मिस्त्री को लाने के भेज दिए जिसने उस दीवार को बनाया था। दे ब्रॉट हिम, वो उसे ले आए। टाइड हैंड एंड फूट, उसके हाथ और पैरों को बांधकर राजा के सामने ले आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल्स इन हिज फादर टाइम, तो अच्छा तुम थे, तो क्या तुमने इनके पिता के समय इस दीवार को बनाया था। तो उस व्यक्ति ने कहा, यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ सरकार मैंने ही बनाया था। वॉट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, ये किस प्रकार की दीवार आपने बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति के ऊपर ये गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या कर दी। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और इसके लिए हम तुम्हें सजाए मौत तुम्हें देंगे दंड के रूप में। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा अपना आदेश उसको देता, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, उस गरीब मिस्त्री ने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, है महाराज आपके आदेश देने से पहले कृपया पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सत्य है कि मैंने इस दीवार को बनाया है। इट वॉज नॉट गुड, ये अच्छी नहीं थी। बट देट वॉज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, इस दीवार को बनाते समय मेरा जो मन था वो इसके ऊपर नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है वेरी वेल, बहुत अच्छे से, ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट जिंगलिंग, क्योंकि उस समय मुझे याद है एक युवा लड़की नृत्यकी, वो इधर उधर पूरे दिन भर अपने पाजेब को झनझनाती हुई वो इस गली में घूम रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और जिस दीवार को मैं बना रहा था उस दीवार के ऊपर मैं अपनी आँखें और अपना मन नहीं लगा सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको अवश्य ही उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। द केस डीपन, ये तो मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। लेट्स, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इतने जटिल केस को इतनी आसानी से सोल्व नहीं किया जा सकता। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर सी लिव्स, आओ और देखो कि वो डांसर कहाँ रहती है, उसको ढूंढो। डिड यू द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो नर्तकी अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी है। कैम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और कांपती हुई बेचारी दरबार में आती है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हो किस तरह से एक के बाद एक बहाने करके नए नए एक्यूज आते जा रहे हैं। और स्टोरी को पूरा पढ़ने के लिए पूरा देखो कि लास्ट में क्या होता है, किसको पनिशमेंट मिलता है। आज की स्टोरी में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।